पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी शोर थम गया है। इस बीच मतदान से ठीक दो दिन पहले पंजाब में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में कई बड़े वादे किए गए हैं, जिनमें महिलाओं के लिए 1100 रुपए प्रति माह देने, 8 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर प्रति वर्ष और 1,00,000 सरकारी नौकरियों का बड़ा सियासी वादा किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शराब और बालू खनन की बिक्री के लिए निगम बनाकर माफिया राज को खत्म करने का वादा भी किया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने में मौके पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या कहा है और कांग्रेस प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, पंजाब विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन शुक्रवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर प्रेस को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पार्टी की सरकार किसानों से तिलहन, दलहन और मक्का खरीदेगी। सिद्धू ने कहा कि पार्टी का 13 सूत्री एजेंडा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। अगर कांग्रेस सत्ता में लौटती है तो मुख्यमंत्री के पहले दस्तखत 1,00,000 सरकारी नौकरियों के लिए ही होंगे। इसके अलावा वादा किया गया है कि कांग्रेस की सरकार शराब बिक्री, बालू खनन के लिए निगम बनाकर माफिया राज को खत्म करेगी। इसके अलावा सिद्धू ने बताया कि सरकार बनने पर पंजाब की महिलाओं को प्रति माह 1100 रुपए, प्रति वर्ष 8 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र 2022 में किए गए वादे कुछ इस प्रकार है। शराब और रेत खनन के सरकारी निगम बनाकर तथा परिवहन और केबल के बेहतर विनियम द्वारा माफिया राज को समाप्त करेंगे। जरूरतमंद महिलाओं के लिए हर महीने 1100 रुपए और हर साल 8 सिलेंडर फ्री। सीएम के पहले दस्तखत के साथ हर साल 1,00,000 नौकरियां। 6 महीने में हर कच्चा मकान होगा पक्का। वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 3100 रुपए किया जाएगा। दाल और तेल के बीज और मक्के की MSP मिलेगी और हर खरीदी होगी। जरूरतमंद छात्रों के लिए सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मुफ्त शिक्षा, SC स्कॉलरशिप जारी रहेगी। BC और सामान्य वर्ग के लिए विस्तृत होगी। सरकारी अस्पतालों में निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं। जरूरतमंद लड़कियों के लिए शिक्षा सहायता, 5वीं के लिए 5,000 रुपए, 10वीं के लिए 10,000 रुपए, 12वीं के लिए 12,000 रुपए और कंप्यूटर, मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 350 रुपए की जाएगी। कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 150 दिन किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ का निवेश फंड। स्टार्टअप के लिए 2,00,000 रुपए का ब्याज मुफ्त ऋण। इंस्पेक्टर राज का अंत। 170 सेवाएं ऑनलाइन होगी। आपको बता दें, पंजाब में 20 फरवरी को एक चरण में सभी 117 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली और BJP भी मैदान में हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आप के बीच ही माना जा रहा है। कई सालों के बाद पंजाब में BJP और अकाली दल अलग अलग हुए चुनाव लड़ रहे हैं। कृषि कानूनों के मसले पर शिरोमणि अकाली दल ने न केवल NDA से हटने का ऐलान किया था, बल्कि इसे BJP के साथ अपना गठबंधन का तोड़ लिया था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, पंजाब। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।